अरे बोला ना यार, हमें कुछ नहीं पता। अब तुम दोनों जाओ, यहाँ पर बहुत कस्टमर है। भाई साहब कुछ लेंगे या टीवी लेके जाएंगे? बस थोड़ी देर में ऑर्डर देता हूँ, 5 मिनट। अरे आपको डेफिनेटली पता है, आज तो आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? जब तक आप मुझे नहीं बताओगे ना, मैं यहाँ से हटूंगा ही नहीं। तुम लोग भी। अरे शक्ति भैया प्लीज मुझे बताओ ना। अरे अनवर भाई आप तो बताइए, क्या थी उनकी कहानी? नहीं अनवर भाई, आपको मेरी सर की कसम है, प्लीज बताइए। ऐसा ना कर, उनकी कहानी, वो दोनों चोर थे। अनवर चोर? अनवर चोर मतलब उन्होंने एक दूसरे का दिल चुरा लिया था। मतलब राज भाई और मीरा जी के बीच में लफड़ा था? अनवर भैया प्लीज शुरू से बताइए ना। हाँ। अरे तेरे भाई का असली नाम तो राज था ही। अनवर, इसका मतलब है उनका असली नाम रामलाल। रामलाल था? रामलाल? और रामलाल को सिर्फ धोना पसंद था। इसका मतलब है कि कपड़े धोता था वो। क्यों? क्योंकि रामलाल धोबी था। भैया धोबी थे तो मतलब इशिता की बहन का भी कोई असली नाम होगा ना। इशिता की बहन का असली नाम? पोगो। पोगो? रामलाल और पोगो ये मिले कैसे? कैसे? एक दिन पोगो अकेले जा रही थी, कुछ गुंडे उसके पीछे पड़ गए तो रामलाल ने पछाड़ दिया। या कैसे किसी को पछाड़ सकते भैया? अरे भैया धोबी थे ना तो दिया धोबी पछाड़। फिर पोगो रोज सुबह उसको चाय शाय पे मिलने लगी। फिर शाम को टॉयलेट में मिलने लगी। टॉयलेट में? क्यों? हैंडपंप? हाँ, क्योंकि रामलाल उसकी टॉयलेट के हैंडपंप के नीचे कपड़े धोता था। यार भैया अगर उनका प्यार इतना पम्प्ड अप था तो फिर आगे जाके नफरत कैसे पैदा हो गई? नफरत? हमको आज कल है उनको, गोल्ड इज माय गॉड। पोगो को सोना चांदी हीरे जवाहरात से बहुत मोह था, मतलब उनकी प्रेम कहानी कुछ चॉप करना है, खाना खजाना जैसी थी। खाना खजाना? क्या बोल रहे हो आप? हाँ, क्योंकि रामलाल को खाने के बांधे थे और पोगो को खजाना चाहिए था। फिर? और फिर रोज रोज की लड़ाई झगड़े से तंग आकर रामलाल एक दिन छक्का हो गया। भैया छक्के हो गए? ये कैसे? नहीं नहीं, इनके कहने का मतलब है हाँ छक्के हो गए। भैया फिर से छक्के हो गए? वीर इसीलिए भैया ने शादी नहीं की। तू चुप कर यार। अरे रामलाल के छक्के छूट गए क्योंकि वो पोगो की जरूरतें पूरी नहीं कर सका और दोनों के बीच में दरार, जुदाई, दुश्मनी, टशन। ओह माय गॉड, दोनों के बीच में ओह माय गॉड? अरे भाई एक्सप्रेशन दे रहा है, दरार और दुश्मनी आती है तो बोलते ना ओह माय गॉड। हे पीटर, इस कस्टमर का अंगूठा काट दे। अरे रिमोट का बटन इतना दबाता है कोई? शक्ति भैया मुझे याद है वो बचपन में भी जब भैया और डैड आते थे मुझे मिलने बोर्डिंग स्कूल में तो अच्छे कपड़े पहन के आते थे और बड़ी गाड़ी में आते थे, वी वर रिच आए। अरे क्योंकि तेरा भाई धोबी था, वो अपने कस्टमर के ही कपड़े पहन कर आता था और तेरे डैडी मैकेनिक थे, वो अपने कस्टमर की ही गाड़ी चला कर आते थे जैसे तू ही चला के आता। अरे तू भी तो मैकेनिक है, जाके गाड़ी सुधार, जा जा। भैया भैया लेकिन हमारे डैडी वेटर वगैरह तो। अबे तू भी निकल यहाँ से, निकल। बहुत ही मुश्किल कहानी है। मैं नहीं। अरे अनवर भाई, अरे किसने बोला था आपको मुंह खोलने के लिए? अरे शक्ति बच्चों ने इमोशनल कर दिया था। अरे आपके इमोशन के? लेकिन भैया वो तो सब ठीक है, लेकिन आप दोनों ने शादी क्यों नहीं की? इधर कितने सवाल भैया, क्वेश्चन ही तो पूछा था। अरे क्योंकि हम बाप नहीं बनना चाहते थे।